इजरायली फौज के लिए गाजा अभी भी एक अभेद किला बना हुआ है, जिसमें वो कई मोर्चों पर एक साथ उलझी हुई है। चाहे वो राफा शहर हो या फिर उत्तरी गाजा, इन सभी इलाकों में हमास के लड़ाके अभी भी IDF पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड के साथ अल कुज ब्रिगेड और अन्य प्रतिरोधी संगठन भी गाजा में इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर चौतरफा हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना ने न सिर्फ अपनी कई बटालियनों को वापस इजरायल भेजा है, बल्कि इजरायली सेना को सैनिकों से लेकर सैन्य हथियारों का भी भारी नुकसान हुआ है। और अब इसी कड़ी में इजरायली सेना पर एक और ऐसा हमला हुआ है जिसकी गूंज इजरायल में बैठे PM नेतन्याहू के कानों तक गूंजी है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड ने गाजा के भीतर एक सुरंग के भीतर बूबी ट्रैप बिछाया हुआ था, जिसमें उसने इजरायली सैनिकों और उसके वाहनों को फंसाकर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, जिसकी चपेट में इजरायल के 3 सैन्य वाहन आ गए और कई जवान भी हताहत हुए हैं। ये जानकारी फिलिस्तीनी मीडिया ने दी है। और इस हमले के बाद इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने भी बयान जारी करके इस हमले की पुष्टि की और कहा कि इस बूबी ट्रैप में हुए ब्लास्ट की वजह से 3 सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले अल कासिम ब्रिगेड ने जैतून में इजरायल के कई सैन्य वाहनों पर बमबारी की थी और उसके इस हमले में मुजाहिदीन ब्रिगेड भी शामिल हो गई थी। और इस हमले के बाद अल कासिम ने नेत्जरीम एक्सिस में तैनात इजरायली सैनिकों पर RPG गोले और 160 टाइप रॉकेट्स भी दागे थे। बड़ी बात यह है कि अल कासिम के इन हमलों के बीच उधर पूर्वी रफा के शोका इलाके में अलक्सा मार्टर ब्रिगेड ने इजरायल की पैदल सेना पर भी भीषण हमला किया था। इसके अलावा गाजा के दक्षिणी सबरा में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के एक सैन्य बुलडोजर पर गोले दागे थे। ये बुलडोजर जैतून इलाके में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और तभी हमास के लड़ाकों ने इसे गोलों से उड़ा दिया। इसको लेकर हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास का लड़ाका एक घर के भीतर से कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर दूर खड़े IDF के बुलडोजर पर रॉकेट दाग देता है, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और बुलडोजर आग के गोलों में तब्दील हो जाता है। और इस हमले के बाद हमास का एक और लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर दागते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में आगे देखने पर हमास का एक लड़ाका पेड़ों के पीछे छिपकर रॉकेट दाग रहा है। वीडियो को कुछ आगे देखने पर इसमें हमास के कुछ और लड़ाके दिख रहे हैं, जिनके हाथ में कई रॉकेट्स नजर आ रहे हैं और वो उन्हें रॉकेट में भरकर ताबड़तोड़ तरीके से IDF की तरफ दाग रहे हैं।